पॉलिटिक्स और जुडिशरी दो ऐसे पहलू हैं जो आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल चुके हैं। आप चाहकर भी इन दोनों को आपस से अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि खासकर तब जब आजकल हमने देखा है कि कई सारे पॉलिटिकल केसेस कोर्ट्स में जा चुके हैं। केवल मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर्स भी हमें इन केसेस में शामिल दिखते हैं। लेकिन मामला और ज्यादा संगीन तब हो जाता है जब हम जजेस को पॉलिटिक्स में घुसते हुए देखते हैं। अब तक हमने देश में कई ऐसे केसेस देख लिए हैं जहां पर जजेस ने रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया है, जो बाद में उन्हीं के दिए हुए ऑर्डर्स और जजमेंट्स पर कई सवाल खड़े कर देते हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ऐसा इवेंट देखने को मिला जहां पर 30 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फॉर्मर जजेस को शामिल होता हुआ देखा गया। भले ही इस इवेंट में कई सारे लीगल एस्पेक्ट जैसे कि वाराणसी एंड मथुरा टेम्पल्स का डिस्प्यूट, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा और कई सारे रिलीजियस कन्वर्जन के मामलों को डिस्कस किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये इवेंट एक अलग ही सिग्निफिकेंस ले लेता है। अब इसी बीच क्या हो जब एक कंट्रोवर्सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर सामने आ जाए। कुछ ऐसा ही रिसेंटली सामने आया है जहां पर एक बार फिर से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इंडियन जुडिशरी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर है, क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम आपको एक ऐसी क्लिप दिखाएंगे जहां से ये पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। हालांकि ये क्लिप एक पूजा के रिचुअल से जुड़ी हुई है, लेकिन लोगों ने इसका एक अलग ही मतलब निकाल लिया है। तो जहां कुछ लोग एक और इस क्लिप को सपोर्ट करते हैं और इसे नॉर्मल मानते हैं, वहीं पे दूसरी ओर कुछ लोगों ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ BJP को फेवर करते हैं या फिर उनके प्रेशर में है। ये इल्जाम उन पर किसी और ने नहीं बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी के ही कई सीनियर एडवोकेट्स ने लगाया है, जिसमें से एक है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। उन्होंने उन पर ये इल्जाम लगाते हुए अपने ट्वीट हैंडल से कहा है, शॉकिंग दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलाउड मोदी टू विजिट हिम एट हिज रेसिडेंस फॉर अ प्राइवेट मीटिंग सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल टू द जुडिशरी विच इज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग that the government acts within bounds of constitution. That is why there has to be an arm's length separation between the executive and the judiciary. Senior advocate Prashant Bhushan के बाद इस incident पर comment करते हुए senior advocate Indra Jaisingh भी दिखी है और उन्होंने CJI पर सवाल करते हुए कहा है, Chief Justice of India has compromised the separation of powers between the executive and judiciary, lost all confidence in the independence of the CJI. The SCPA must condemn this publicly displayed compromise of independence of the CJI from the executive at the rate कपिल सिब्बल। इंटरेस्टिंग रहेगा जब हमें पता चलेगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग करने के बाद उनका इस मैटर में क्या ओपिनियन आता है। लेकिन अभी इस कॉन्ट्रोवर्सी को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है क्योंकि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस पर काफी बड़ा प्रोटेस्ट जाहिर किया है और अपनी नाराजगी और एतराज साफ दिखाया है। विकास रंजन भट्टाचार्य सीनियर एडवोकेट और प्रेसिडेंट ऑफ AILU एंड PV सुंदरनाथ सीनियर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ने अपना दुख जताते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था जो एक उंगली उनके खिलाफ ही उठा सकती है। द लेटर स्टेट इट इज नॉट अ स्टेट नेशनल फंक्शन लाइक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टू ज्वाइन द हेड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द हेड ऑफ द जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट इज प्योरली प्राइवेट रिलीजियस फंक्शन at the residence of Chief Justice of India. It is something beyond expression of civility. Such incidents would not happen casually without planning and initiation either from the executive prime minister or the Chief Justice of India. और उन्होंने कहा है कि Chief Justice of India को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए था जो judiciary पर से उनके trust को lose कर दे। हालांकि जहां पर ऐसे क्रिटिसिज्म और रिमार्क्स हमें opposition parties से सुनने को मिले हैं, वहीं पर BJP के workers और कुछ lawyers ने ऑपोजिशन को जमकर फटकार लगाई है। BJP के MP और बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने देखिए एक नजर डालते हैं कि क्या कहा है। Therefore now they are actually searching for any opportunity to go in public or to criticize the public or the present government. So yesterday if our honorable prime minister went at the residence of honorable CJI for attending a social function that was a religious function,
there is nothing wrong in it, nothing immoral, nothing illegal, nothing relating to constitution. Constitution, our constitution, Article 14, 50 talks of simply separation of powers. There was no discussion about the sharing of power or anything else. So therefore, criticizing this, making any baseless allegation against our CJI or against the Honorable PM, that is really very painful. Now, we are in the campus of Supreme Court. Supreme Court is as it is where it was yesterday, and it will be there. Our Chief Justice of India is a very honest man, very sincere, and he is a man of integrity. Because of such meetings, neither there is going to be any change on the opinions of our CJI, nor it will make any change on the personality of our Prime. साथ ही आइए एक और नजर हम राज्यसभा के MP संजय सिंह की बातों पर भी डालते हैं। तो इसका मतलब BL संतोष ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कल की पूजा का मकसद लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करना था। कहां सपना देखा बीएल संतोष जी ने इस बात का? कहां इस बात का सपना देखा? पूजा अर्चना पे किसने सवाल उठाया? पूजा करने को किसने गलत कहा? आस्था पर किसने सवाल उठाया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का है। बीएल संतोष के बयान से स्पष्ट नजर आ रहा है, उस पे मैं और क्या बोलूं। शिवसेना के UBT फैक्शन के लीडर सुनील प्रभु ने स्टेट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वह खुद के केस से अलग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। हालांकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जुडिशरी और लेजिस्लेचर, जो कि एक गवर्नमेंट के एसेंशियल बॉडीज हैं, उन्हें हम इतना अलग कर सकते हैं कि वो साथ में भी ना दिखाई दें। कई लॉयर्स ने यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को डिफेंड करते हुए ये भी कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 कहता है कि देयर शुड बी अ सिंपली सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि इन दोनों ही बॉडीज के कोई भी लोग आपस में दिखाई भी ना दे? आपको बता दूं, अब ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ BJP के फेवर में है या उनसे मिले हुए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि वो बायस्ड है, क्योंकि हाल ही में हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी फटकार लगाई है और उन्हें बहुत बड़े झटके दिए हैं। और इसका सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना। आपको याद होगा कि फरवरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के केस पर अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू।